नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल विशेष में। मेरा नाम है विशेष गुप्ता और आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड। अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाए, इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको हेल्प करने वाली है इंटरव्यू को क्लियर करने में, इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाए ये मैं आपको आज अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं खुद अपनी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी रन करता हूँ एंड वी हायर फॉर वेरियस बैंक्स, NBFCs एंड वेरियस BPOs ऑल्सो। इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ बहुत ही बेसिक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती। कुछ ये सारी वो स्किल्स हैं, ये सारे वो स्किल सेट्स हैं, ये सारी वो टिप्स हैं जो हम सब कर सकते हैं और हम सब लोगों के पास होती हैं। सिर्फ एक चीज़ होती है कि इनको इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखना। अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये देना चाहूँगा, रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेट सपोज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं टैली के लिए, एक अकाउंटेंट के लिए, या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, या किसी वेब डेवलपर के लिए, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले पढ़ के जाना चाहिए। कोई भी कंपनी जब कोई वैकेंसी को एडवर्टाइज करती है तो अधिकतर हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ उसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं, अच्छा वेब डेवलपर चाहिए, अच्छा फलाना लोकेशन पर चाहिए, और हम लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए सीधे पहुँच जाते हैं। हमको उसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए जिसमें मेंशनड होगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कितना टोटल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो उनको पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। वो सारी चीज़ें, पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ को पूरा ढंग से पढ़ने के बाद ही अपना इंटरव्यू के लिए आप जाइए। उससे पहले अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, तो उसके बारे में आप नेट पे सर्च कर लीजिए, इंक्वायर कर लीजिए और तभी इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाइए, ठीक है। सेकंड जो हमारी टिप है वो है अपडेट ऑल द स्किल्स इन रिज्यूमे। अपना जो रिज्यूमे है वो हमको अपडेट करके लेके जाना चाहिए। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है, कितने कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना जो 5 साल पुराना रिज्यूम होता है वो लेकर के चले जाते हैं, ऐसा रिज्यूम लेके चले जाते हैं जो जिसमें उन्होंने अपनी लास्ट कंपनी तक अपडेट नहीं कर रखी होती है, और वहाँ पर जाके वो वर्बली बता रहे होते हैं कि मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन तो ये है, हालांकि मैं उसको रिज्यूमे में अपडेट करना भूल गया। और ऐसा कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा कि लास्ट मोमेंट तक हमारा जो रिज्यूमे है वो अपडेटेड नहीं होता। आपका जो रिज्यूमे है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं naukri.com पे, shine.com पे, LinkedIn पे, कहीं पे भी, तो जब आप जैसे ही उस पर प्रेस का बटन दबाते हैं तो आपका जो रिज्यूमे है वो सबसे पहले आपके कंपनी के पास जाता है। अगर वो रिज्यूमे अच्छा नहीं है, अप टू डेट नहीं है, वो पुराना रिज्यूमे है, उसमें आपकी स्किल्स अपडेटेड नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कम है, तो आपको इंटरव्यू के कॉल्स कभी आएंगी नहीं। या अगर आप अपडेटेड रिज्यूमे नहीं रखते हैं, आपने अपनी स्किल्स या अपनी सारे जितने भी एक्सपीरियंस है उनको रिज्यूमे में नहीं दिखाया और आप एक पुराना रिज्यूम लेके इंटरव्यू में पहुंच गए, जाहिर सी बात है कि आपको केयरलेस मानते हुए आपको इंटरव्यू में कोई भी सेलेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इंटरव्यू इज अ सीरियस कंसर्न। एटलीस्ट अगर कोई आपको ले रहा है तो वह चाहता है कि वो बंदा जो जॉब लेने, जो भी इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है हमारे पास, वो प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आए, और इतनी तो कर्टसी उसके अंदर होनी चाहिए कि अपना रिज्यूमे, जिस जॉब के लिए अप्लाई वो कर रहा है, अपना रिज्यूमे एकदम लेटेस्ट लेके आए, ठीक है। अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रिज्यूमे में अपडेट कीजिए। कोई ऐसी स्किल जो कि उस जॉब से रिलेवेंट है उसको रिज्यूमे में अपडेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपकी कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन जो आपके पास है उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है और वो आपके CV में नहीं लिखी है, मेरे हिसाब से ये क्राइम है, ठीक है। आपका रिज्यूमे 100% अपडेट होना चाहिए। जो हमारी थर्ड स्किल है, जो हमारी थर्ड एक्सपेक्टेशन है, थर्ड टिप है, वो ये है कि जब भी हम किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, रिज्यूमे बना लिया, बट थर्ड पॉइंट ये है कि हमको वेल ग्रूम्ड होना चाहिए और हाइजीन फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। वेल ग्रूम्ड और हाइजीन फैक्टर से जो मेरा मतलब है वो है क्लीन शेव्ड होना, जिस समय पे भी हम इंटरव्यू के लिए जाएं, हमारे जो क्लोथ्स हैं वो वेल प्रेस्ड हो, हमारे जो बाल हैं वो प्रॉपरली ग्रूम्ड हो, दाढ़ी एकदम बनी हुई हो, शूज़ एकदम पॉलिश्ड हो, ये उस इंटरव्यू के लिए आपकी सीरियसनेस को दिखाता है, ठीक है। एक बार आप ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद
जैसे बहुत सारी आईटी कंपनीज होती है वहाँ पे कैजुअल क्लोथिंग चलती है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग अपनी ग्रूमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। बट जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी भी तरीके से कैजुअल नहीं दिख सकते, आपको फॉर्मली ड्रेस होना चाहिए। अगर उस जॉब की डिमांड ही ऐसी है या उस कंपनी का कल्चर ही अलग है तो बात अलग है, बट 90% केसेस में किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई चाहता है कि जो इंटरव्यू देने आए वो वेल ड्रेस्ड होके आए, वेल ग्रूम्ड होके आए, एकदम हाइजीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आए, ठीक है। सो जो चौथा पॉइंट है साथ में ही वो भी यही है कि जब हम अपनी हाइजीन को रख रहे हैं साथ में तो हम ड्रेस्ड फॉर्मली हों। हम जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि हम लोग ग्रूम होकर के तो चले गए, हमने दाढ़ी वगैरह सब बना ली, हमने बाल एकदम ठीक रखे हैं, शूज़ एकदम पॉलिश रखे हैं, सब कुछ रखा है, बट हमारी जो ड्रेस है वो फॉर्मली ड्रेस नहीं है, हम लोग जीन्स में चले गए, टी शर्ट में चले गए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में भी अप्लाई करते हैं जैसे कि कोई आईटी कंपनी है, वहाँ पे कैजुअल क्लोथिंग ही होती है, इतना फॉर्मल क्लोथिंग कोई मानता नहीं है या इतना कुछ चलता नहीं है वहाँ पे, तो अगर आप जीन्स और टी शर्ट में भी जा रहे हैं तो टी शर्ट एटलीस्ट कॉलर टी शर्ट होनी चाहिए, कभी भी राउंड नेक टी शर्ट जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। सेकेंडली जो आपकी जीन्स है वो एकदम प्लेन जीन्स होनी चाहिए, जितनी भी हमारी रग्ड जीन्स हैं, जितनी भी हमारी पैटर्न वाली जीन्स होती हैं, वो जीन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आप कैजुअल क्लोथिंग में भी जा रहे हैं सो वो सिंपल सोबर एंड गुड लुकिंग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने का। सो जब भी आप वहाँ पे किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको अब हम लोगों ने अपना बेसिक सारे तैयार कर लिया, अब हम इंटरव्यू देने के लिए पहुँच गए हैं। इंटरव्यू देने के लिए पहुँच गए हैं तो आपको जैसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, या जैसे ही आपके साथ फर्स्ट कन्वर्जेशन शुरू होता है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस रूम में एंटर कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम रूम को नॉक करके एंटर कर रहे हैं, क्या हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, जब आपसे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाए तो हम अपना इंट्रोडक्शन ढंग से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। सो ये बेसिक कर्टसीज हैं, इन सब कर्टसीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बिल्टअप करने की तरफ में ध्यान देना है। फर्स्ट इंप्रेशन आप जो बिल्टअप करते हैं उसके साथ में दो तीन चीज़ें और इसी में ऐड हो जाती हैं जो कि है बॉडी लैंग्वेज। जब आप वहाँ पर बैठे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका आई कॉन्टैक्ट एकदम अच्छा हो, ठीक है, आप इधर उधर ना देख रहे हो, पूरा ध्यान रखें इंटरव्यू पे, इंटरव्यूअर पे, अपना आई जो कांटेक्ट है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखिए, आपके हाथ ना हिल रहे हो बहुत ज्यादा, पैर बहुत ज्यादा ना हिल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, ठीक है। सो अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट रखिए, सिंपल रखिए। कन्वर्जेशन में कभी कभार आप थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, पैरों को बिल्कुल मत हिलाइए, आंखें इधर उधर बिल्कुल मत कीजिए, एकदम सामने स्ट्रेट फोकस रखिए। और एक बहुत अच्छी टिप मैं दे रहा हूँ आपको, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल ज़रूर रखिए, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है और आपका कंफर्ट लेवल बताता है कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं है, एंड स्माइल ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। अब ये पांच पॉइंट कवर करने के बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि इंटरव्यू से ही रिलेटेड है, जो आपको जॉब क्लिक करने में, जॉब को पाने में और इंटरव्यूअर पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अपना एक पॉजिटिव फीडबैक बनाने में आपकी जो हेल्प करेगा वो है आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सिर्फ ये तैयारी करके जाते हैं कि हमको बोलना क्या है, हमको बताना क्या है, बट आज के टाइप में, आज का जो टाइम है उसमें जो लोग प्रीफर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चंस भी पूछ सकें। ये आपका अगेन जो मैं बार बार फर्स्ट इंप्रेशन और कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, ये वो सब बिल्टअप करने में हेल्प करता है। क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस का आप अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस बना लीजिए, लाइक सर आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या जॉब की एक्सपेक्टेशंस होंगी, इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ पाथ क्या है। सो आप इस तरीके के क्वेश्चंस मत पूछिए कि टाइमिंग कितनी होगी, कितने दिन आना पड़ेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका बेसिकली कैजुअल एटीट्यूड दिखाएंगे कि आप छुट्टियां ज़्यादा पसंद करते हैं या कम दिन आना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो ऐसे पूछने जो कि उनको लगे कि यस यू आर सीरियस अबाउट दिस जॉब, यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, आपको इस कंपनी में ग्रोथ चाहिए, आपको पैसा कमाना है, इंसेंटिव कमाना है। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, आपकी सर जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना होगा और मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मेरा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, मुझे यहाँ पे जनरली कितने टाइम के बाद प्रमोशन होता है, सैलरी इंक्रीमेंट कितने टाइम के बाद होता है, मुझे क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे अच्छा इंसेंटिव मिले। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो इससे आपका लेवल ऑफ इंगेजमेंट बढ़ेगा। जब वो इंटरव्यूअर है, जब वो आपको
अभी तक वो क्वेश्चन मोड में, फिर वो एक्सप्लेनेशन मोड में आ जाएगा। अभी तक वो आपसे केवल सवाल पूछ रहा था, अब वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, आपका नेक्स्ट लेवल ये होगा, उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ये जब जब आपका उनके साथ में कन्वर्जेशन शुरू हो जाता है, जब एक लेवल ऑफ एंगेजमेंट डेवलप हो जाता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है एक लॉन्ग लास्टिंग मार्क छोड़ने में इंटरव्यू के इंटरव्यूअर के मतलब ऊपर, और वो आपको डेफिनेटली आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर जाएं। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारे 6 पॉइंट्स थे अभी तक कवर हो चुके हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है शो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट टू ज्वाइन। ठीक है, अभी तक आपने इंटरव्यूअर से सवाल भी पूछ लिए, सब कुछ पूछ लिया, बट आपको उसने जो जो एक्सपेक्टेशंस बताई कि आपको इतना काम करना होगा, ये टारगेट आपको अचीव करना होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस होंगी, ये जो टिप है, कई लोग क्या होता है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, कई बार हम ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बना लेते हैं कि इंटरव्यूअर को लगता है कि शायद जो वो बता रहा है आप उससे कंफर्टेबल नहीं है। सो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपका हर शब्द, आपका हर बॉडी लैंग्वेज, हर एक्शन ऐसा लगना चाहिए कि जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जा रही हैं आप उसको करने के लिए 100% तैयार हैं, एकदम जिसे कहते हैं ना रेडी टू गो वाला एटीट्यूड दिखना चाहिए, येस आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड दिखना चाहिए, जी सर बिल्कुल होगा करेंगे, एंड शो योर रेडीनेस टू ज्वाइन कि ठीक है सर ये सब मैं बिल्कुल करूँगा, और आप मुझे बताइए सर क्या फीडबैक है और मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आज की डेट में अगर आप ये सवाल पूछते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको शायद वहीं पे ही 90% चांस है कि आपको वहीं पे थोड़ा सा अपना फीडबैक खुद ही पता चल जाता है। इतना सब जब कन्वर्जेशन लेवल पे आप इंटरव्यूअर के साथ आ जाते हैं और उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि ओके सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ, अब मुझे एचआर से कॉल आएगी या क्या होगा, सो एचआर वो इंटरव्यूअर आपको खुद ही बताता है, यस आई एम शॉर्टलिस्टिंग यू फ्रॉम माय साइड, एचआर विल कॉल यू, या अभी एक राउंड और होगा उसके लिए हम आपको बुलाएंगे, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपका ये जो राउंड है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट जो मेरी टिप है, जो सातवीं टिप है, आठवीं टिप है, वो ये है कि नेवर आस्क इररिलेवेंट और स्टूपिड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी सैलरी से रिलेटेड है, टाइमिंग से रिलेटेड है, छुट्टियों से रिलेटेड है, जिससे इस तरीके के सवाल पूछ के आप सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, आप काम चोर नजर आते हैं। ऐसा कोई भी बंदा जो पूछता है मुझे कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, यहाँ छुट्टियों की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, सैलरी कितनी होगी, इस तरीके के जो सवाल है ये नेक्स्ट राउंड में एचआर के साथ डिस्कशन हो जाते हैं। ये सैलरी आप तब बताइए जब आपके पास जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, वरना हमने एक सवाल पूछा वो भी सिर्फ सैलरी से रिलेटेड पूछा, तो इंटरव्यूअर को लगता है कि ये जो बंदा अपनी जॉब ढूंढ रहा है या चेंज कर रहा है ये सिर्फ सैलरी के लिए कर रहा है, और ऐसे बंदे जनरली क्या होता है वो सैलरी के लिए रेगुलर बेसिस पे जॉब छोड़ते रहते हैं। तो एक इंटरव्यूअर का एक माइंड सेट है कि उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो सिर्फ सैलरी ना देख रहा हो, ओवरऑल पैकेज देख रहा हो कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यहाँ पे ग्रोथ कैसी है, मेरा लेवल ऑफ वर्क क्या है, मुझे क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, ये सब जब आप बोलते हैं तो इंटरव्यूअर को लगता है कि ये बंदा जो है लंबे समय रुक करके कुछ सीखना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। जब हम इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं सैलरी के बारे में, छुट्टियों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये निगेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इंटरव्यू में जाने से पहले एक रात ज़रूर उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाइए, वो कंपनी कब खुली थी, कितने पहले खुली थी, उसने क्या ग्रोथ की है, उस कंपनी का क्या विज़न है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब आप आराम से पूरा देख करके जाइए। बल्कि जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मैं लिंक्डइन पे उस कंपनी के कैंडिडेट्स को पहले सर्च करता था, जैसे लेट्स सपोज एक सेल्स मैनेजर HDFC बैंक, तो आप लिंक्डइन पे डालेंगे सेल्स मैनेजर कॉमा HDFC बैंक, तो आपके पास जितने भी एग्जिस्टिंग सेल्स मैनेजर्स हैं HDFC बैंक के वो आ जाएंगे। तो हम चेक करते थे, खुद से देखता था मैं कि यहाँ पे जो भी सेल्स मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, उनको कितना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या मेरा जो करंट एक्सपीरियंस है वो उनसे बेटर है कि नहीं है, है तो मुझे क्या बोलना है, और अगर नहीं है तो मुझे क्या बोलना है। तो मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ में पूरी तरीके से तैयार होकर जाता था कि मैं कैसे इन कैंडिडेट से अपने आप को बेटर प्रूफ करने वाला हूं और मैं कैसे अपने आप को बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेवेंट प्रूफ करने वाला हूं। आपका CV आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है,
अपने सीवी को कभी हल्के में मत लीजिए, जो कुछ भी आपकी रियल लाइफ में है वो सब आपके सीवी में जरूर दिखना चाहिए। सो ये थी आज की थोड़ी बहुत टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था, सो दैट आप इंटरव्यू को आराम से क्रैक कर सकें। इंटरव्यू से रिलेटेड, जॉब सर्च से रिलेटेड मेरे और भी वीडियोज़ हैं, फ्रीलैंसिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, काफ़ी कुछ आपको इसमें ऐसा मिलेगा जो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं, फ्रीलैंसिंग में भी और पैसिव इनकम अर्न करने में भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।